हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सो स्टूडेंट। जैसा कि आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपके बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास का सिलेबस। और आपका जो प्राचीन इतिहास है उसका टाइटल है भारत का राजनीतिक इतिहास 600 बीसी से लेकर 647 एडी तक। तो आपको अपने प्राचीन इतिहास के अंदर यही सब पढ़ना है राजनीतिक इतिहास के बारे में। और स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है, सोशियोलॉजी, उन सबका सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इनकी पूरी पूरी यूनिट्स लगभग मैंने कंप्लीट करा ली हैं। सोशियोलॉजी की यूनिट में क्लास चला रही हूँ, आधा लगभग हो गया है। तो आप उस सबके लिए चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में चलिए देखिए, आपको अपने प्राचीन इतिहास में जो भारत का राजनीतिक इतिहास है इसके अंदर आपको कौन कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, एक यूनिट्स के अंदर कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका यूनिट नंबर 1। और स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही है कि आपके हर सिलेबस के अंदर टोटल 8 यूनिट्स होती हैं। तो चलिए देखिए यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है, अध्ययन के स्रोत। देखिए अध्ययन के स्रोत के बारे में पढ़ना है, अब क्या क्या पढ़ना है उसको देखिए। साहित्यिक साक्ष्यों का अनुसरण और उसकी ऐतिहासिकता की सीमा, क्या पढ़ना है, साहित्यिक साक्ष्यों का अनुसरण और उसकी ऐतिहासिकता की सीमा पढ़ना। फिर है बौद्ध साहित्य, ये वाला पढ़ना है। जैन साहित्य है, पौराणिक साहित्य है, ये यात्रा वितांत है। लौकिक साहित्य है, पुरातात्विक साक्ष्य पूरा लेख और मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्य। ये सभी टॉपिक आपको अपने यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ना है। अब आ जाते हैं आपके यूनिट नंबर 2 में। तो अब देखिए यूनिट नंबर 2 है आपका महाजनपदों का विकास, गणतंत्र का उदय। महाजनपदों के विकास के बारे में आपको अपने यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है गणतंत्र का उदय, गणतंत्र के उदय के बारे में पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है अपने यूनिट नंबर 2 के अंदर। और देखिए फिर तीसरा है मगध साम्राज्य का उदय, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, किस तरह से, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये तीनों वंश आपको अपने मगध साम्राज्य के उदय के अंतर्गत पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, ईरानी और यूनानी आक्रमण और प्रभाव। ईरानी आक्रमण के बारे में और यूनानी आक्रमण के बारे में और उसके प्रभाव को पढ़ना है। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप भारत का राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अब आ जाइए आपके यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको पढ़ना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना, प्रमुख शासक चंद्रगुप्त, मौर्य, बिंदुसार और अशोक। क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ना है। ध्यान देते रहिएगा, मैंने कॉमा लगा दिया है इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका दूसरा टॉपिक है। फिर देखिए प्रमुख शासक चंद्रगुप्त, मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ना है। मौर्य समाज का पतन, अब मौर्य समाज का पतन किस तरह हुआ वो पढ़ना है। फिर अर्थशास्त्र और इंडिका, इनके बारे में पढ़ना है। और अशोक की धम्म नीति के बारे में पढ़ना है, अशोक की जो धम्म नीति है उसके बारे में आपको अपने यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। तो आपका 3 तक तो मतलब क्लियर हो गया कि आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आ जाइए यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 है आपका जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है शुंग वंश। शुंग वंश के अंदर आपको पढ़ना है पुष्यमित्र, ये आपको अपने यूनिट नंबर 4 में जो पहला टॉपिक है शुंग वंश उसमें पढ़ना है पुष्यमित्र। दूसरा है आपका कंडव वंश, कंडव वंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद तीसरा है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के अंदर आपको पढ़ना है गौतमी पुत्र सतकर्णी। फिर पढ़ना है दूसरा आपको वशिष्ठी पुत्र पुलमवी, ये देखिए पुलमवी है, ये मवी पुलमवी। उसके बाद पढ़ना है यज्ञत्री सतकर्णी, फिर आपको पढ़ना है खारवेली। तो ये आपके यूनिट नंबर 4 के अंदर टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। टॉपिक थोड़ा ज्यादा हैं आपके, मगर टेंशन ना लीजिए, मैं सब कंप्लीट कराऊंगी।
देखिए अब है आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है भारत में विदेशी आक्रमण। देखिए भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ना है कि विदेशों में विदेशी आक्रमणों ने भारत पे आक्रमण किया, जैसे कब किया। और आपको पता है आप भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं जो 600 BC से लेकर 647 AD तक। तो देखिए इसमें कौन कौन सा आक्रमण आपको पढ़ना है, इंडो ग्रीक, डेमेट्रियस आपको पढ़ना है, मेडेंटर, यूक्रेटाइडस के बारे में पढ़ना है, शक पार्थियन के बारे में, शक पार्थियन रुद्र दामनी के बारे में, ये सब आपको पढ़ना है अपने यूनिट नंबर 5 के भारत में विदेशी आक्रमण के अंदर। उसके बाद है आपका दूसरा टॉपिक यूनिट नंबर 5 में कुषाण। कुषाण में आपको पढ़ना है उद्भव, कनिष्क, वाशिष्क, हविष्क और वासुदेव, ये सभी टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 5 के अंदर हैं। तो आप देखिए यूनिट नंबर 6 आपका, यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है गुप्त वंश का उदय और समकालीन राजनीतिक स्थिति, महान गुप्त शासक। देखिए यूनिट नंबर 6 में क्या पढ़ना है, गुप्त वंश का उदय पढ़ना है और समकालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ना है और महान गुप्त शासकों के बारे में पढ़ना है। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है आपको, फिर आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, उसके बाद पढ़ना है कुमार गुप्त के बारे में, फिर पढ़ना है स्कंद गुप्त के बारे में। ये सभी महान गुप्त शासकों के बारे में आपको अपने यूनिट नंबर 6 के अंदर पढ़ना है। और देखिए स्टूडेंट्स डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं आपका ये सभी यूनिट्स कंप्लीट कराऊंगी नोट्स के साथ। और देखिए जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में और भी सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश लिटरेचर, तो उसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो था अपलोड कर दिया है। और आपके इंग्लिश लिटरेचर की पूरी 8 यूनिट्स को मैंने कम्प्लीट करा दी है नोट्स के साथ अच्छे से समझा कर, साथ ही साथ उसका पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज डाली है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज के अलावा जो आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है उसका सिलेबस भी अपलोड कर दिया और उसकी भी पूरी यूनिट्स मैं नोट्स के साथ कंप्लीट करा ली हूँ। उसका भी मैंने पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस डाली हैं। उसके अलावा जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी है यानी समाजशास्त्र, उसका भी सिलेबस मैंने अपलोड करके पूरी क्लास स्टार्ट कर दी हूँ। लगभग आधी यूनिट्स को मैंने कम्प्लीट करा ही डाली हैं, बस कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो भी जल्दी कम्प्लीट करा दूंगी। और स्टूडेंट्स देखिए मैंने बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर भी अपलोड किए हैं, तो आप उन सभी के लिए एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर अपने BA से रिलेटेड हर एक सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की वीडियोज पढ़ने के लिए मिलेंगी। अब आ जाइए अपने यूनिट नंबर 7 में। तो यूनिट नंबर 7 है आपका वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश के बारे में यूनिट नंबर 7 के अंदर पढ़ना है, जिसमें है विंध्य शक्ति से हरी सेना, उसके बाद है कमजोर गुप्त शासक, फिर आपको पढ़ना है गुप्त राजवंश का पतन और हर्ण आक्रमण तोर माना। तो इसमें आपको गुप्त राजवंश के पतन के बारे में पढ़ना है और हर आक्रमण और तोर माना के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला है मिहिर कुला के बारे में पढ़ना है और आपको पढ़ना है अपने यूनिट नंबर 7 में हर आक्रमण का प्रभाव, हर आक्रमण जब हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 7 के अंदर। अब आ जाइए अपनी यूनिट नंबर 8 और अपनी लास्ट यूनिट पर। आपकी जो यूनिट नंबर 8 है इसमें आपको पढ़ना है गुप्त वंश के पतन के बाद राजनीतिक स्थिति, जब गुप्त वंश का पतन हो गया उसके बाद राजनीतिक जो स्थिति थी वो कैसी थी, जैसे वर्धन वंश पढ़ना है, मौखरी वंश पढ़ना है और गुप्तोत्तर काल आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 8 के अंदर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको अपने प्राचीन इतिहास के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट्स के अंदर कितने टॉपिक्स हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।